हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये वाला डिज़ाइन जो है मैंने एक रेडीमेड कार्डिगन से लिया हुआ है। ये डिज़ाइन किसी भी कार्डिगन पे पड़ेगी तो बहुत सुंदर बनेगी। इसे शॉल पे भी डाल सकते हैं, मफलर्स पे भी डाल सकते हैं, लेडीज़, किड्स, जेंट्स सभी की कार्डिगन्स पे डाल सकते हैं, स्वेटर्स पे डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन जो है वो 24 रोज़ का डिज़ाइन है। यहाँ पे मैंने एक बार ये डिज़ाइन जो है 24 रोज़ का यहाँ पे डाला हुआ है और इसमें फंदे हैं 14 के मल्टीपल में लगने हैं, प्लस 3 फंदे जो हैं एक्स्ट्रा लगने हैं, 2 फंदे स्टार्टिंग पे और 1 फंदा लास्ट पे। तो यहाँ पे जो है मैंने 3 बार डाला हुआ है डिज़ाइन, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42 फंदे प्लस 3 फंदे 45 फंदे मैंने यहाँ पे टोटल एग्जांपल पे लिए हुए हैं। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले रो वन पे देखिए क्या करना है। 2 फंदे जो हैं हमारे एक्स्ट्रा हैं शुरू में, फिर जो है हमें राइट की ओर जाते हुए फंदे बनाने हैं इस तरह से पेयर्स में। देखिए राइट की ओर हम इस तरह बनाएंगे, 2 फंदों को इस तरह लेते हुए और फिर बाद में आगे वाले फंदे को बनाएंगे इस तरह से। हमारी ये राइट की ओर जाते हुए फंदे बनेंगे। ये हमने 5 पेयर्स राइट को जाते हुए बनाने हैं, 3, 4 और ये 5। तो ये 5 फंदे मैंने 5 पेयर्स फंदों के राइट को जाते हुए बनाए हैं। ये हमारे यहाँ तक टोटल 12 फंदे हो गए हैं। अब हमने एक फंदा सिंपल बनाना है और अब यहाँ पे हमने लेफ्ट को जाता हुआ एक पेयर फंदों का बनाना है। इसके लिए इस तरह से फंदों को घुमाने के बाद पीछे की ओर से पहले आगे वाले फंदे को बनाएंगे, फिर दोनों फंदों को बनाएंगे इस तरह से। ये एक बार बनाना है हमने लेफ्ट की ओर जाते हुए और फिर एक फंदा हमने सिंपल बनाना है। उसके बाद 5 बार जो है वो राइट की ओर जाते हुए बनाने हैं। दो, तीन, चार और ये 5। ये 5 बार हमने राइट को जाते हुए फंदे बना लिए हैं। एक फंदा सीधा बनाना है और 2 फंदों को घुमा के इस तरह से लेफ्ट को जाता हुआ ये वाला फंदों का पेयर हमने बनाना है इस तरह से। एक फंदा सिंपल, 5 पेयर्स राइट को जाते हुए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक फंदा सिंपल बनाएंगे और यहाँ पे एक पेयर जो है लेफ्ट की ओर बनाएंगे और ये लास्ट में हमने एक्स्ट्रा फंदा सिंपल बना लेना है। उल्टी सिलाइयाँ सारी की सारी सिंपल हैं, सभी सिलाइयाँ हमने उल्टी बनानी है बैक साइड की। बैक साइड पे कोई भी डिज़ाइन नहीं है।
तो अब आते हैं रो थ्री पे। पहली रो में देखिए हमने पांच पेयर्स जो हैं राइट को जाते हुए बनाए थे, बीच में एक एक फंदा हमने सिंपल बनाया था और एक पेयर जो है लेफ्ट को जाते हुए उठाया था। अब देखिए रो थ्री पे पहले फंदे को स्लिप करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने दो फंदे नेट करने हैं सिंपल, और अब यहाँ पे हमने चार पेयर्स जो हैं वो राइट की ओर जाते हुए बनाने हैं। चार बार राइट को जाते हुए बीच में एक फंदा सिंपल निट करेंगे, और अब यहाँ पे हम एक और पेयर जो है लेफ्ट की ओर जाता हुआ यहाँ पे उठा देंगे, और ये दूसरा पहले आगे वाला फंदा बनाएंगे लेफ्ट को जाने के लिए, और फिर दोनों इस तरह से साथ में। एक फंदा हमने सिंपल निट करना है बीच का, और चार पेयर्स जो हैं वो राइट को जाते हुए बनाएंगे, दो तीन चार, एक फंदा सीधा। देखिए दो पेयर्स अब हम लेफ्ट की ओर जाते हुए कैसे बनाएंगे, देखिए घुमा लिए फंदे और इस तरह से एक और बार करेंगे, इस तरह से एक फंदा सिंपल चार बार राइट को जाते हुए फंदों का पेयर, तीन चार, एक फंदा बीच में सिंपल यहाँ पे उठाएंगे हम लेफ्ट को जाते हुए फंदे, फंदों के दो पेयर आएंगे यहाँ पे लेफ्ट को जाते हुए, एक ये और ये नेक्स्ट। और ये लास्ट वाला सिंपल हम नेट कर लेंगे। उल्टी सिलाई सारी की सारी उल्टी ही बनेंगी। आते हैं रो फाइव पे। रो फाइव पे देखिए राइट को जाते हुए अब हमारे तीन हो जाएंगे और लेफ्ट को जाते हुए भी तीन 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 पेयर्स हो जाएंगे। इसमें पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब देखिए एक दो तीन, ये फंदे जो हैं हमारे राइट को जाएंगे, तो इसके लिए अब हम ये वाले फंदे जो हैं वो लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, उसके लिए इस तरह से घुमाएंगे और ये इस तरह से ये वाला पेयर बनाएंगे। अब बीच में एक फंदा आएगा सिंपल और तीन पेयर्स फंदों के जाएंगे राइट की ओर,
इस तरह, एक फंदा बीच में सिंपल, और यहाँ पे देखिए दो फंदों को इस तरह से घुमा लेंगे और फिर इस तरह से बनाएंगे। ये हमारे लेफ्ट की ओर जाते हुए फंदे हैं, दूसरा ये, तीसरा, एक फंदा बीच में निट करेंगे, तीन पेयर्स राइट की ओर बनाएंगे, इस तरह एक फंदा निट करेंगे, दो फंदों को घुमाएंगे और ये इस तरह से तीन पेयर्स अब हमारे लेफ्ट की ओर जाते हुए बनेंगे। इस तरह एक फंदा हम निट करेंगे और तीन पेयर्स हमारे अगेन राइट की ओर जाते हुए बनेंगे, दो ये तीन, एक फंदा सिंपल निट करेंगे, दो फंदों को घुमाएंगे, इस तरह से बनाएंगे लेफ्ट की ओर, दूसरा और ये दो सिंपल बनाएंगे, या देखिए। अब आते हैं नेक्स्ट सीधी रो पे। अब यहाँ पे हमारे राइट की ओर जाते हुए फंदे और घट जाएंगे, पहले तीन थे तो अब दो रह जाएंगे और लेफ्ट वाले चार हो जाएंगे। इसके लिए पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, दूसरे वाले को सिंपल निट करेंगे और यहाँ पे अब फंदों को घुमाएंगे, ये इस तरह से लेफ्ट की ओर एक पेयर बनेगा, यहाँ पे एक सिंपल फंदा और दो पेयर्स जाएंगे राइट की ओर। एक फंदा सिंपल, दो फंदे नेक्स्ट इनको घुमा लेंगे इस तरह से बनाएंगे, ये जाएंगे लेफ्ट की ओर, दूसरा तीसरा, और ये चौथा, एक फंदा बनाएंगे सिंपल और दो पेयर्स राइट की ओर, एक दो, एक फंदा सिंपल, ये चार फंदों के पेयर जाएंगे लेफ्ट की ओर, फंदों को ध्यान से बनाइएगा। अगर आपका कोई फंदा मिसप्लेस हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है डिज़ाइन
को आगे कंटिन्यू करने में, ये 1 2 3 4 एक फंदा सिंपल, दो पेयर्स राइट की तरफ जाएंगे, एक और ये दूसरा, एक फंदा सिंपल, ये चार पेयर्स फंदों के टुवर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट की ओर, डिज़ाइन थोड़ा मेहनत भरा ज़रूर है पर जब किसी चीज़ पर पड़ेगा तो बहुत सुंदर आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा। इसे लास्ट में एक सिंपल, अब आते हैं नेक्स्ट सीधी सिलाई पे। अब यहाँ पे हमारे राइट की ओर जाते हुए एक ही पैर रह जाएगा और लेफ्ट की ओर पांच हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक फंदे को स्लिप करने के बाद अब दो फंदों को घुमा लेंगे और इन्हें लेफ्ट की ओर जाते हुए बनाएंगे इस तरह, एक और पैर, एक फंदा सिंपल बीच में और ये एक पेयर फंदों का राइट की ओर, एक फंदा सिंपल और दो फंदों को घुमा लेंगे इस तरह, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। एक फंदा सिंपल, एक पेयर राइट की ओर, एक फंदा सिंपल और यहाँ पे पांच फंदे फंदों का पेयर लेफ्ट की तरफ। ये फिफ्थ, एक फंदा बीच में सिंपल, एक पेयर हमारा राइट की तरफ, एक फंदा सिंपल, यहाँ पे अगेन लेफ्ट की ओर वाले फंदों का पेयर, एक दो, यहाँ पे
तीन ही पेयर्स आएंगे। आगे वाले दो फंदे सिंपल निट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट सीधी सिलाई पे पहले फंदे को स्लिप करने के बाद अगला फंदा निट करेंगे। निट करने के बाद ये हम लेफ्ट की ओर फंदों के पेयर्स बनाएंगे, ये एक और ये दूसरा। अब देखिए राइट की ओर जाता हुआ इस सिलाई में कोई नहीं होगा, बीच में सिंपल एक दो तीन चार, चार फंदे हमने बीच में सिंपल नेट करने हैं। उसके बाद लेफ्ट की ओर जाते हुए पांच पेयर्स फंदों के हमने बनाने हैं। देखिए कितने, एक दो तीन चार और ये पांच, इस तरह ये एक फंदा निट करेंगे। दो तीन चार, आप फिर से लेफ्ट की ओर वाले पांच पेयर्स बनाने हैं। दो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। और ये एक फंदा सिंपल, दो तीन चार, चार फंदे निट करेंगे। इसके बाद फिर से लेफ्ट के ओर वाले फंदे हैं, एक ये दो, यहाँ पे तीन बनेंगे। ये इस तरह ये लास्ट वाला सिंपल।
अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा डिज़ाइन पूरा आधा पड़ चुका है। अब नेक्स्ट हाफ स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अब हमारे फंदे जो हैं पहले इस साइड से स्टार्ट किए थे, अब हमने राइट साइड के लिए स्टार्ट करने हैं। तो देखिए पहले फंदे को हम उतारेंगे और ये वाले जो हैं हम लेफ्ट की ओर जाते हुए बनाएंगे। एक पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड। अब देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे और यहाँ पे अब राइट साइड के लिए एक पेयर बनाएंगे। एक फंदा सिंपल और ये लेफ्ट साइड के लिए। इसमें देखिए एक राइट साइड का पेयर है और पांच जो हैं वो लेफ्ट साइड के लिए बनेंगे। पांच पेयर लेफ्ट साइड के लिए, एक फंदा सिंपल और ये हमारा एक पेयर बनेगा यहाँ पे राइट साइड की ओर, एक बीच में सिंपल और पांच पेयर्स राइट को सॉरी लेफ्ट की ओर वाले। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। एक फंदा सिंपल और ये एक पे उठाएंगे हम राइट के लिए इस तरह। एक फंदा सिंपल और यहाँ पे देखिए दो पेयर्स हमारे लेफ्ट की ओर जाते हुए बन जाएंगे। एक दो, दो ये लास्ट में सिंपल नेट करेंगे। अब देखिए अब नेक्स्ट सीधी सिलाई पे पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और दूसरे फंदे को नेट करेंगे। और देखिए यहाँ पे अब हमारे दो पेयर बनेंगे लेफ्ट की ओर जाते हुए, एक और ये दूसरा।
ये इस तरह से। और अब एक फंदा ये हम सिंपल निट करेंगे। अब यहाँ पे दो पेयर्स हमारे राइट की ओर के लिए बन जाएंगे, एक और यहाँ पे दूसरा बन जाएगा। बीच में एक फंदा सिंपल। और देखिए अब चार पेयर्स जो हैं हमारे लेफ्ट की ओर जाएंगे, एक दो तीन और ये चार, इस तरह एक फंदा सिंपल। दो पेयर्स हमारे यहाँ बनेंगे अब राइट वाले, एक फंदा सिंपल, चार पेयर्स जाएंगे हमारे लेफ्ट की ओर, एक दो तीन चार। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से यहाँ पे दो पेयर्स जो हैं वो राइट को जाते हुए बनाएंगे। यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाएंगे और दो पेयर्स जो हैं लेफ्ट को जाते हुए बनेंगे। इस तरह से और एक फंदा लास्ट का निट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट सीधी सिलाई पे एक फंदे को स्लिप करने के बाद देखिए आप ये वाले घुमा लेंगे फंदे, ये हमारे राइट की साइड को जाएंगे, सॉरी लेफ्ट की साइड को जाते हुए बनेंगे। ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, दो पेयर हमारे लेफ्ट को जाते हुए बनेंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एक फंदा हम सिंपल निट करेंगे और यहाँ पे अब हमारे तीन पेयर जो है राइट की ओर बनेंगे। अब राइट की ओर बनने वाले पेयर्स की संख्या बढ़ती जाएगी, यहाँ पे तीन बनेंगे इस सिलाई में, तीन लेफ्ट की ओर और तीन राइट की ओर जाते हुए पेयर्स बनेंगे, एक दो तीन, इस तरह एक फंदा सिंपल निट करेंगे और तीन अब राइट की साइड वाले बनाएंगे इस तरह से। ये तीसरा यहाँ पे बन जाएगा, एक फंदा बीच में सिंपल बनाएंगे और तीन पेयर्स बनाएंगे लेफ्ट की ओर जाते हुए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा।
और ये सिंपल एक नेट करेंगे, फिर तीन पेयर्स आएंगे अब राइट की ओर जाते हुए, दो तीन, ये इस तरह एक फंदा सिंपल और एक पेयर यहाँ पे लेफ्ट की ओर जाता हुआ बन जाएगा इस तरह। लास्ट के दो फंदे सिंपल, देखिए इस सिलाई में हमारे चार हो जाएंगे राइट की तरफ और दो हो जाएंगे लेफ्ट की ओर जाते हुए। तो पहले फंदे को स्लिप करने के बाद, एक फंदा नेट करने के बाद, फंदों को घुमा के हम लेफ्ट की ओर बनाएंगे इस तरह। एक ही पेयर बनेगा यहाँ पे, एक फंदा सिंपल और यहाँ पे चार पेयर्स अब राइट की ओर जाते हुए आएंगे, एक दो तीन और चौथा भी यहाँ पे बन जाएगा। एक फंदा सिंपल और दो पेयर्स अब लेफ्ट की ओर, एक दो, एक फंदा सिंपल बनाएंगे, चार पेयर्स बनाएंगे हम राइट की ओर, एक दो तीन चार, इस तरह एक फंदा सिंपल, दो पेयर्स हमारे जाएंगे इस तरह लेफ्ट की ओर, एक फंदा बीच में सिंपल बनाएंगे, चार राइट की ओर, चौथा पेयर बनेगा राइट की ओर, एक फंदा सिंपल और एक ही पेयर यहाँ पे बनेगा लेफ्ट की ओर जाता हुआ और लास्ट का ये सिंपल नेट कर लेंगे।
अब देखिए नेक्स्ट सामने वाली रो पे, अब हमारा यहाँ पे पांच आ जाएंगे राइट की ओर। इसके लिए देखिए हमारा एक ही पेयर जो है वो लेफ्ट की ओर जाता हुआ बनेगा। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हम एक पेयर जो है वो लेफ्ट की ओर बनाएंगे इस तरह। उसके बाद एक फंदा हम सिंपल निट करेंगे और उसके बाद बनाएंगे हम यहाँ पे पांच पेयर्स राइट की ओर। थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। एक फंदा सिंपल और एक पेयर हमारा लेफ्ट की ओर बनेगा। एक फंदा सिंपल बनाएंगे, पांच राइट की ओर, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक फंदा सिंपल, पांचवा, पांच बनेंगे यहाँ पे, ये पांचवा है। उसके बाद एक फंदा हमारा ये वाला सिंपल, एक पेयर लेफ्ट की ओर, इस तरह एक फंदा सिंपल, पांच पेयर्स राइट साइड की ओर। फोर्थ और ये फिफ्थ। और ये हम सारे के सारे तीन अब सिंपल बना लेंगे। देखिए नेक्स्ट सीधी सिलाई पे एक फंदे को स्लिप करने के बाद अब हमारे इस रो पे कोई भी लेफ्ट साइड के लिए फंदे नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्लिप करने के बाद, एक फंदा स्लिप करने के बाद दो फंदे सीधे निट करेंगे। उसके बाद पांच पेयर्स हम राइट की ओर बनाएंगे। ध्यान रखना है पांच ही बनाने हैं, छह नहीं बनाने हैं इसमें। एक, दो, तीन, चार, पांच। और आगे देखिए चार फंदे हमारे सीधे आएंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर से पांच पेयर्स फंदों के राइट की ओर बनाने हैं। दो, तीन, चार और ये पांच। अब चार फंदे सीधे, फिर से पांच पेयर्स राइट को जाते हुए बनाने हैं। ये हमारी डिजाइन की लास्ट सीधी रो है।
यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए पांचवा, और ये जो चार फंदे आते हैं उनमें सीधे ही बना लेंगे सबको। इसके बाद हम ये यहाँ पे हमारी 23 रोज जो है डिज़ाइन की वो कंप्लीट हो गई हैं। 24th रो हम पीछे वाली रो को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारा जो है ये डिज़ाइन यहाँ पे एक बार कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैंने पहले डाला हुआ था, उसके ऊपर एक और बार डाला हुआ है, देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आता है। तो इन्हीं 24 रोज को बार बार रिपीट करने के बाद हम अपनी कार्डिगन को पूरा करेंगे, और देखिए कितनी सुंदर बनके ये तैयार होती है।